to have your breakfast at the French bakery. And look here what we are having. हेलो दिस इज़ थर्ड डे इन पॉन्डिचेरी और आज हम लोग जा रहे हैं चेन्नई वापस. तो जाते जाते जब पॉन्डिचेरी से चेन्नई जा रहे हो तो वहाँ पे बीच में ही महाबलीपुरम का टेंपल आता है जो बहुत ही अच्छा है और मतलब देखना ही देखना है. तो अभी हम लोग वहाँ पे उतरे हैं और हम लोग ने बाइक सुबह ही सबमिट कर दिया था और अभी हम लोग कार से चेन्नई जा रहे हैं वहाँ पे. और या तो अभी यहाँ पे टिकट निकालेंगे और अंदर चलते हैं. So they have a small marketplace here in case you want to buy anything. वही जो हर जगह पे हर टूरिस्ट स्पॉट पे रहता है. एंड फ्यू गार्डन्स. अभी शायद थोड़ा सा धूप है तो ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा है. पता नहीं उसको प्रॉपरली वाटरिंग कर रहे हैं या नहीं. तो पर हेड कुछ 30 rupees का टिकट है और इतने सारे मॉन्यूमेंट्स अंदर हम घूम सकते हैं वो 30 rupees में. उनका टाइम है 9 to 5. कुछ कुछ है उनमें 5:30 है. वो है वहाँ पे टेम्पल. सो द फर्स्ट स्पॉट पांच रथ. और ये सारे के सारे है ना सारे एक ही पत्थर से बनाए हुए हैं. मतलब दे स्टार्टेड कार्विंग द स्टोन फ्रॉम टॉप टिल द बॉटम. दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5. 5 रथाज. एन अमेजिंग प्लेस बट धूप से सिर्फ थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है. तो थोड़ा टाइम जाके छाँव में बैठ जाओ. बट यार क्या अमेजिंग है यार ये पूरा का पूरा. देखो पूरा स्ट्रक्चर एक ही पत्थर से ऊपर से लेके नीचे तक हाथ से तोड़ के. हाउ इज इट? नाइस. वी हैव कम टू सेकंड स्पॉट मनीषा मर्दिनी केव. यहाँ से सीधा वहाँ पे जाके ऊपर. This is the one temple and above it there is another temple and there is a lighthouse. पूरे रॉक का साइज तो देखो पूरा एक ही रॉक में. अभी मैं जा रहा हूँ लाइट हाउस की तरफ. धूप बहुत खतरनाक है. मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप महाबलीपुरम आना है तो या तो अर्ली मॉर्निंग आ जाए या तो थोड़ा शाम के टाइम. बट शाम के टाइम आई गेस ये 5 बजे तक ही रहता है तो मॉर्निंग ही बेटर है. वी चार्ज 10 rupees फॉर योर सेल्फ एंड 20 rupees फॉर योर कैमरा इफ़ यू वॉन्ट टू गो अप. सीशोर केव्स. सीशोर इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऊपर टेम्पल से और लाइट हाउस से दोनों जगह से आपको सीशोर दिखता है. क्वाइट ऑब्वियस. आपको फोटोग्राफी का शौक है तो यहाँ पे आप जितना जल्दी हो सके मॉर्निंग में आ जाओ या फिर थोड़ा सा लेट आ जाओ बिकॉज इतना भीड़ रहता है सैटरडे संडे. तो इतना भीड़ रहता है कि आपको एक भी फ़ोटो ऐसा प्रॉपरली जो स्ट्रक्चर और उसका है वो नहीं आ पाएगा. मतलब बहुत सारा रश रहता तो वो सब लोग बीच में आते जाते रहते हैं और फिर काम नहीं हो पाता अच्छे से. माय फ्रेंड रिकमेंडेड मी टू हैव अ लंच एट मून रेकर्स तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे आए. यहाँ पे सी फूड बहुत बेस्ट मिलता है तो देखते हैं अंदर उनके पास क्या क्या है. ये खा के हम लोग फिर आगे का जर्नी के लिए निकलेंगे विच इज़ क्रोकोडाइल पार्क एंड ऑल.
flavor fish, mackerel, kodua, and tiger prawns, lobster. ओहो क्या पेट भर के खाना खाया हम लोगों ने अभी. हमने पूरा एक वो सुरमई फ्राई लिया था जो कि कुछ 2400 का था. लॉबस्टर इफ़ यू वांट टू ट्राई देन यू कैन गेट इट फॉर 3500. और बहुत सारा बटर फिश, ये फिश वो फिश था. तो साधारण अप्रॉक्सीमेटली एवरीथिंग वाज अराउंड 1800 टू 2500 एंड 3000 रुपीज़. या बट मस्ट विजिट प्लेस. अभी हम लोग का खा के तो हो गया. अभी आगे हम लोग जाएंगे शायद क्रोकोडाइल पार्क. क्रोकोडाइल पार्क के बाद चेन्नई, बिकॉज अभी इट्स नाउ 4 o'clock. हम लोग का 9 बजे का फ्लाइट है और कुछ भी करके हम लोग को 7 o'clock तक एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा. या और ये आए हम हमारे ट्रिप के लास्ट स्पॉट पे जो कि है क्रोकोडाइल पार्क. यहाँ पे बहुत सारा क्रोकोडाइल्स है मैंने सुना है. देख They charge you 60 rupees per head. ऐसा मालूम भी नहीं पड़ रहा है. हिला है क्या? रिसॉर्ट के बाजू में रुका था ना मैं गुजरात में, वहाँ पे भी थे 3-4. कितना सारा है रे. क्रोकोडाइल का जत्रा देखना है क्या? देखो व्हेन यू गेट ड्रंक एएफ ये होता है. वांगे वांगे बैठो कम पियो. समय समाप्ति की घोषणा. हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट. नाउ इट्स टाइम फॉर द टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर द ट्रिप. इफ यू आर प्लानिंग फॉर द पॉन्डिचेरी देर आर फ्यू टिप्स दैट कैन हेल्प यू व्हेन यू आर विल बी कमिंग हियर. सो द फर्स्ट वन इज व्हेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ होटल ट्राई टू सिलेक्ट इट नियर द फ्रेंच कॉलोनी और यू कैन से वाइट टाउन. एंड सेकेंडली इफ यू आर कमिंग इन द समर्स डोंट हायर बाइक or anything like that. So because there is a lot of heat and you might get a sunstroke and you might get ill, so it's always better to take a cab, AC cab or something like that. Then there are two things which are, one is French colony and the white towns are the same, and promenade beach and rock beach both are same. Then whenever you are visiting the white town, you must try their French food, like go and have a breakfast, like breads and everything. And about the food, Dhruv will help us. Hi. So we landed at the Pondicherry or the Chennai actually 3 days ago, tried some of the new things that we normally don't get in Mumbai. So mainly that is their breads, the French breads, different varieties of breads. So personally my favorite is their croissants and some of the cakes actually. So just besides our resort, that was Purple Resort, there is a cafe that is pretty much attached to it. There is a cafe so that you can try it. Their breads are very good. You will get many of them. Yeah,
So then we also tried some of the places like there was a restaurant at exactly at Promenade Beach. Yeah. So there was a place, I will put the name here. The Pasta Bar. Yeah. Veneto. Yeah. The Pasta Bar Veneto. Yeah. And they also gave us quite good deals on food and drinks. Some of food. Yeah. Yeah, food and drinks. So that was also good. Then on the Rock Cafe, you must try the La Cafe coffee. Yeah, and if you can reach there to have a look at the sunset, that is an added thing that you can. But the problem is, sunset happens on another side of the sea face. Continuing about the tips, agar aap yahan pe aane ka plan kar rahe ho, to 3 days are more than enough. 2 days mein, 2 days mein hi actually khatam ho jata hai. Do not rush. From one place to another, give time to each and every place. Hardly 4 or 5 places are there. Keep the Mahabalipuram, Crocodile Park, and little bit of shopping on the last day when you will be coming back. And try to leave from the Pondicherry in the morning so that you can cover those Crocodile Park and Mahabalipuram, because their last entry is at around 5 p.m. So after that, if you are leaving from the Pondicherry, you won't be able to see them.